हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज के एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों बोलम के लिए कुछ इस तरह का ग्रुपिंग बैनर लेके आ चुका हूँ, जो कि इसका पीएलपी फाइल लिंक देती हूँ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो को अच्छा से देखते रहे, उसके बाद पीएलपी फाइल को डाउनलोड करने के बाद इसे पिक्सल में ऐड कर लेना है। जो देख रहे हो मैंने पीएलपी फाइल को पिक्सल में ऐड कर लिया। अगर आपको पिक्सल में पीएलपी फाइल ऐड करना नहीं आता तो उसका लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन, उस वीडियो को देखने का आप भी सीख सकते हो पिक्सल में पीएलपी फाइल को ऐड करना। तो उसके बाद दोस्तों आप इसमें जो भी कुछ चेंज करना चाहोगे कर सकते हो। जैसे कि अभी आप इसमें जो भी कुछ चेंज करना चाहोगे एक्चुअली नहीं होगा चेंज, तो इसे चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पर क्लिक कर लीजिए। सो इसमें एडिट करने के लिए दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हर कुछ यहाँ पे मैं लॉक करके दिया हूँ, जिससे कि एडिट करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप इसमें जो भी कुछ एडिट करना चाहोगे आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जैसे मैं इस यहाँ से इस फोटो को चेंज करके यहाँ पर मैं अपना खुद का फोटो यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से अनटिक करना कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ से क्लिक करने के बाद ये जो फोटो है यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे टाइप करोगे ये फोटो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये फोटो को डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट वाले आइकन देखने को मिला, इस पर क्लिक करके यहाँ से ओके वाले आइकन पर क्लिक कर देना। तो उसके बाद यहाँ पर ये फोटो जो था वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से खुद का अपना फोटो या किसी जिसका भी फोटो को लगाना है उसका फोटो को ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते तो कुछ इस तरह से यहाँ पे गैलरी ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ से ये फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि फोटो मुझे लगाना है मैं उस फोटो को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप भी कुछ इसी तरह से अपना फोटो का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने का जैसे कि उससे पहले दोस्तों बता दूँ कि आप जो भी फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो फोटो आपका पीएनजी होना चाहिए। अगर फोटो पीएनजी बनाना नहीं आता तो उसका लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देखने पर आप ही फोटो का पीएनजी बना सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे पीएनजी फोटो को यहाँ पे ऐड करोगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे छोटा करने का कॉर्नर से करना है, और कॉर्नर से यहाँ पे आप छोटा कर सकते हो। उसका यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने का दोस्तों इस यहाँ से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा कि यहाँ पे टू बैक पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने का ये जो फोटो पीछे से मतलब लग जाएगा, कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो नाम है इसको नाम को चेंज करने के लिए आपको मतलब कि एक्चुअली जो भी कुछ इसमें चेंज करना है सब कुछ करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने का यहाँ से आपको लॉक को अनलॉक करना होगा। तो चलो यहाँ पे मैं जैसे कि देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैं अनटिक करता हूँ और यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने का ये जो आप सेलेक्ट करोगे जैसे कि यही सेलेक्ट हो कर लेना है। और सिलेक्ट करने का इस पर डबल टैप कर देना है, डबल टैप करने का इसे कट कर देना है। इस नाम को कट करने का आपका जो भी नाम है यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना नाम को टाइप कर दिया, उसके बाद यहाँ से ओके लिख सकते हो कि मैंने कुछ इस तरह से मेरा नाम आ चुका है। तो इसी तरह से दोस्तों आप इस पर हर कुछ एडिट कर सकते हो, जो भी कुछ एडिट करना इस तरह से कर सकते हो। तो दोस्तों इसका जो पीएलपी फाइल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन से आप पीएलपी फाइल को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वीडियो में आपको शुरू से एंड तक देखे होंगे तो वीडियो में आपको पासवर्ड मिल गया होगा। उस पासवर्ड के माध्यम से इस पीएलपी फाइल को डाउनलोड करने के बाद इस तरह से पिक्सल में ऐड करने के बाद इसमें हर कुछ एडिट कर सकते हो। उसका दोस्तों जब आपका पोस्टर बन के रेडी हो जाएगा तो इसे सेव कर लेना है, जो कि सेव करने के लिए यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। और यहाँ से देख रहे हो कि एक्सपोर्ट इमेज देखने को मिले, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से जो आप यहाँ पे देख सकते हो पीएनजी को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से कस्टम को अल्ट्रा कर लेना है। उसके बाद यहाँ से सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने का ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से पोस्टर बनाए जाते हैं और साथ ही इस तरह से मतलब कि गैलरी में सेव किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके, वीडियो अच्छा लगता है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।